आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाइन्थ क्लास में इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट है, बाकी जो है वो टेंथ क्लास के अंदर है, ठीक है ना। तो मतलब इनका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो नाइन्थ क्लास के अंदर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आया कहाँ से, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्ट, उन्होंने 1637 में रेने डेस्कार्ट उन्होंने 1637 में कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया। किसके लिए, किसी भी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट पॉइंट के लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया। और इसी आइडिया को लेकर आगे चल करके जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें जानना होगा। फर्स्ट वन इज नॉन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। उससे पहले हम एक चीज जान लें, ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर क्या कहते हैं, एक पेयर है नंबर का, से वी हैव ए पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी, वी हैव ए पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी, और हम इसको लिस्ट करते किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में, है ना, जैसे कि ए फर्स्ट प्लेस पर हो और बी सेकंड प्लेस पर हो, है ना। इस को जो है हम क्या करते हैं, कहते हैं ऑर्डर पेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। मतलब हमारे पास एक पेयर ऑफ नंबर है जिसे हम स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, है ना, लिस्ट कर रहे हैं, जहां पर ए को हमने फर्स्ट प्लेस पर रखा, बी को हमने सेकंड प्लेस पर रखा, ये क्या कहलाएगा, एक ऑर्डर पेयर। सिमिलरली अगर हम इसको ऐसा लिख दें बी फर्स्ट प्लेस पर ए सेकंड प्लेस पर, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, लेकिन ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर बी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर ए बी ऑर्डर पेयर बी ए के बराबर नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, ए पेयर ऑफ नंबर है, ए पेयर ऑफ नंबर लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर या स्पेसिफिक ए पेयर ऑफ नंबर से ए एंड बी एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर ऑर्डर विद ए एट द फर्स्ट प्लेस एंड बी एट द सेकेंड प्लेस इज कॉल्ड एंड ऑर्डर पेयर, इज कॉल्ड एंड ऑर्डर पेयर, है ना। यहाँ पे नोट करना है क्या, ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास ए की जगह कोई मतलब पेयर ऑफ नंबर है 2, 2 एंड 3, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, तो ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। सिमिलरली 3, 2 इज एनदर ऑर्डर पेयर, 3, 2 इज एनदर ऑर्डर पेयर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर पेयर, इट इज सेकेंड ऑर्डर पेयर, बट बोथ आर नॉट सेम, दोनों क्या है, सेम नहीं है। कि मेरे ख्याल से आपको ऑर्डर पेयर क्या है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऑर्डर क्या है ये, ऑर्डर पेयर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं कहां पर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरफ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरफ। तो रेने डेस्कार्ट ने जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कार्टेशियन सिस्टम का, किसके लिए, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है ना। तो प्लेन के अंदर किसी भी प्लेन के अंदर जो है
कोई भी पॉइंट है हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्डर पेयर से, मतलब इस तरह से पेयर ऑफ नंबर से। वो पेयर ऑफ नंबर कहाँ से लेते हैं वो आगे हमें समझ में आएगा, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है कि हम जो है प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ ए पेयर ऑफ रियल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन क्या हो गई, कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन क्या हो गई, वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन ए प्लेन बाय मीन्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। अब किसी पॉइंट को कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर पेयर से, ये आगे समझ में आएगा। पहले कुछ टर्म है, डेफिनेशन है जो हमें समझना है। पहले हमने क्या कहा, ऑर्डर पेयर क्या है, एक पेयर ऑफ नंबर है जिसे हम लिस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्लेस पे, बी सेकंड प्लेस पे, और ये पूरा जो है एक साथ ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर पेयर। तो इस ऑर्डर पेयर का हम यूज करते हैं प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, एंड दैट ऑर्डर पेयर इज नोन एज कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये ऑर्डर पेयर जो है प्लेन के अंदर जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना, तो उसी ऑर्डर पेयर को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है ना, है ना। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ये क्या है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि किस कॉन्सेप्ट से अराइज हुआ, कार्टेशियन के कॉन्सेप्ट से, जिन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, है ना, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए प्लेन के अंदर, है ना। ये क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बाय द मीन्स ऑफ अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अलजेब्रा की मदद से, है ना, मतलब अलजेब्रा से किसकी हेल्प से, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके, ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, है ना, या ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। तो बार बार एक टर्म आ रहा है क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या क्या आ रहा है, बार बार एक टर्म आ रहा है क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ और नहीं है कि मतलब जो है पॉइंट को हम प्लेन के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ ए ऑर्डर पेयर, है ना, बाय मीन्स ऑफ, मतलब
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए प्लेन के अंदर जो है किसी पॉइंट के लोकेशन को बताते हैं। उसमें जो है ये जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं या सिंपली कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? दो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू। दो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू, एक्सिस क्या है? एक लाइन है, नंबर लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा वर्टिकल है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस, है ना। तो रेने डिस्कार्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर किसी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट के लोकेशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में बता सकते हैं बाय, है ना, टेकिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन ए प्लेन, है ना। मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन के जरिए हम बता सकते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, उस पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो उन्होंने एक एक्सिस को जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था उसको नाम दिया एक्स ओ एक्स डैश, जो कि क्या है, इसे हम उन्होंने कहा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल एक्सिस थी जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही थी, उसका नाम दिया वाई ओ वाई डैश। वर्टिकल एक्सिस उसका नाम दिया क्या? वाई एक्सिस। और कहा कि इस दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई पॉइंट है उसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगी, दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी, दूसरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी, ठीक है ना। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए, उसको पहले लिखना है। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बी, उसको सेकंड प्लेस पर लिखना है। और इस तरह से जो पेयर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। तो यहाँ एक स्पेसिफिक नंबर को लिस्ट किया है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कि मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको पहले लिखेंगे और जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बाद में लिखेंगे। और इसी पॉइंट को क्या कहा गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट को आता हूँ दोबारा से। तो सबसे पहले आते हैं इस कॉन्सेप्ट का जो यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, या कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर ले क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? द पॉइंट या द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन, इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू विद रेफरेंस टू टू फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट प्लेन के अंदर किसी पॉइंट का पोजीशन हम बताते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं किसी दो रेफरेंस दो रेफरेंस लाइन के थ्रू, जो कि क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो कि हमने यहाँ बताया था। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर जैसे एक्स डैश ओ एक्स जो है क्या है, एक्स एक्सिस है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है, और वाई ओ वाई डैश जो है वो क्या है, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, है ना, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाले क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ को कहते हैं हम ओरिजिन। पॉइंट ओ जो है मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, जो कि क्या है,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग क्या है पॉइंट है ना। तो हम क्या करते हैं कि फॉर कन्वीनियंट हम क्या करते हैं, वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, एक कन्वीनियंट यूनिट लेंथ क्या कर सकते हैं, फिक्स करते हैं। किसके लिए, कैसे, ओरिजिन को हम जो है जीरो मान लेते हैं, ओरिजिन को हम क्या माना है, हमने जीरो माना है, और हम इक्वल डिस्टेंस क्या कर देते हैं इनके ऊपर मार्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं इक्वल डिस्टेंस इसके ऊपर मार्क कर देते हैं ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना, एज वेल एज ऑन द वाई एक्सिस है ना। हमने क्या किया, फिक्स करते हैं एक कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर 1 इंच जो भी है, हम क्या करते हैं वो फिक्स करते हैं, और ओरिजिन को जीरो मानते हुए इक्वल डिस्टेंस मार्क करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी, वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो क्या देख रहे हैं, इस ओरिजिन से मतलब इस जीरो पॉइंट से कुछ पॉइंट इस तरफ है एक्स एक्सिस पर और कुछ पॉइंट इस तरफ है, और ऐसे ही ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ है और कुछ पॉइंट नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो अब दोनों डायरेक्शन को लेंथ को जो है यूनिट लेंथ जो है उनको मतलब इस रेफरेंस लाइन पॉइंट से मतलब जो ओरिजिन जिसे हमने जीरो माना था उसे हम क्या करते हैं एक साइन दे दिया जिसे हम कहते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन, ताकि उस साइन को देखते हुए हम फौरन पता कर लें कि इस ओरिजिन से हम वाई एक्सिस पर वर्टिकल जा रहे हैं अपवर्ड की तरफ या वर्टिकल जा रहे हैं डाउनवर्ड की तरफ। इसलिए उन्होंने क्या, हमने मैथमेटिशियन ने क्या किया, साइन ऑफ कन्वेंशन इंट्रोड्यूस किया है। तो साइन ऑफ कन्वेंशन क्या है कि जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम एलोंग ओ एक्स की तरफ मतलब ओरिजिन से राइट की तरफ, उसे उन्होंने लिया क्या, ओरिजिन से राइट की तरफ एंड ओरिजिन से ऊपर की तरफ, उसे हम उन्होंने लिया पॉजिटिव, और जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ और ओरिजिन से डाउनवर्ड की तरफ उसे क्या कहा, लिया गया क्या, निगेटिव, उसे क्या लिया गया, निगेटिव, ठीक है ना। तो मैं इसको पहले लिख दूं, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई, ओ एक्स एंड ओ वाई है ना, आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग एंड द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश आर टेकन एज निगेटिव। उसको क्या कंसिडर कर लिया गया, निगेटिव कंसिडर कर लिया गया है ना, उसको क्या कर लिया गया, निगेटिव कंसिडर किया गया, ठीक है। तो हम आगे चलते आगे की तरफ है ना, जैसे कि इस फिगर में मैं लिख सकता हूँ, जैसे ये हो गया हमारा क्या एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, इस ओरिजिन को क्या कह दिया उन्होंने पॉइंट जीरो, ऊपर कह दो वाई, नीचे वाई डैश, यहाँ वाई और यहाँ वाई डैश, सॉरी यहाँ एक्स और यहाँ एक्स डैश, इक्वल लेंथ मार्क कर देना है, आगे आपको इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसे ही ऊपर भी इक्वल लेंथ इतना ही, इसको लिया गया ओरिजिन को जीरो और ओ एक्स की तरफ पॉजिटिव, ये वन ये टू मतलब ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस, यहाँ से वन, यहाँ से यहाँ टू, यहाँ से यहाँ थ्री, ऐसे ही जो ओ एक्स डैश की ओ वाई की तरफ था उसको क्या लिया गया, उसको भी लिया गया पॉजिटिव, जीरो से ऊपर वन, जीरो से यहाँ तक टू, या जीरो से यहाँ तक थ्री, या ओरिजिन से इस पॉइंट तक थ्री, ऐसे ही ओरिजिन से नीचे की तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, क्योंकि ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश क्या लेना है, क्या कंसिडर किया गया, निगेटिव। ये साइन ऑफ कन्वेंशन है, हमने क्या एज्यूम कर लिया, अगर इसको आप ध्यान से देखें ये कुछ और नहीं है, हम जो नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट करते थे वही है ना, बस एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वर्टिकल है, ये है जीरो, ये है वन, ये है टू और ये है माइनस वन और माइनस टू, कुछ और है इनके अलावा, कुछ नहीं है, यही है, ठीक है ना, ठीक। तो हमें हमारे समझ में साइन ऑफ कन्वेंशन आ गया, ठीक है ना। अब जो है हम एक टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन।
कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इन एक प्लेन के अंदर पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मतलब लोकेशन, जो कि हमने कोऑर्डिनेट्स का मतलब यहां समझ रखा था। तो अब सपोज कर ले कि हमारे पास एक प्लेन है, कि प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, और वहां पर हमने ड्रॉ कर दिया उस प्लेन के अंदर क्या दोनों एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, और वहां पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है ना। अब सपोज कर ले इस पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस, जो कि है क्या ए, सपोज कर ले जैसे यहां पर हमने बताया था, इन शॉर्ट हमने सारी चीजें यहां पर डिस्कस कर दी थी, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या है ए, और इसी पॉइंट पी का जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सपोज कर ले है क्या है बी, क्या है बी, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरह ए यूनिट है, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी का क्या है बी यूनिट है। समझ में बात है कि नहीं, ठीक है ना। देन वी से, तो हम क्या कहते हैं, देन वी से देन वी से के दैट देन वी से दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर ए कॉमा बी, है ना। तो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको पहले लिखेंगे, और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो जहां पर हम ए को क्या कहते हैं, यहां पर ए इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, ए इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड बी ए को हम क्या कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, याद रखें एक्स कोऑर्डिनेट वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और एब्सिसा, और क्या कहते हैं इसको एब्सिसा, ए बी एस सी आई डबल एस एब्सिसा ऑफ पी। सिमिलरली बी इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एब्सिसा को हम पहले लिखते हैं और ऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इनको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन याद रखते हैं हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, किससे होता है एक्स एक्सिस से। समझ आई बात है। तो यहां से यहां तक जो है ये डिस्टेंस क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है, ये 90 डिग्री है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। यहां से एक बात पता चली कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे होता है, वो वैल्यू वाई एक्सिस पे देख लेंगे, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है वो वैल्यू कहां पर एक्स एक्सिस पे मार्क होगी, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस को हम क्या कह रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को क्या कह रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट, है ना। इन अदर वर्ड एब्सिसा ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है ना, ऑर्डिनेट्स ऑफ पी। नाउ वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है देखते हैं हम। सपोज कर लें कि हमारे पास एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश क्या है दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो प्लेन था पेज का इसको फोर रीजन में डिवाइड कर दिया, अगर आप देखें तो एक्स ओ वाई, है ना, एक्स ओ वाई
वाई ओ एक्स डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, है ना, वाई डैश ओ एक्स, है ना, वाई डैश ओ एक्स रेस्पेक्टिवली, है ना। तो ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब हर रीजन का जो क्या है, एक हर रीजन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। अब चूंकि चार क्वाड्रेंट है, हम इस एक को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या कहते हैं, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डेफिनेशन लिख ले इसकी, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन ऑफ पेपर, डिवाइड द प्लेन ऑफ पेपर इंटू फोर रीजन, इंटू फोर रीजन कॉल्ड क्वाड्रेंट, कॉल्ड क्वाड्रेंट। द रीजन कौन सा है वो, द रीजन क्या है, एक्स ओ वाई, ये वाला रीजन जिसे हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा रीजन है वाई ओ एक्स डैश जिसे हमने कहा सेकेंड क्वाड्रेंट, तीसरा है एक्स डैश ओ वाई जिसे हमने कहा थर्ड क्वाड्रेंट, चौथा है वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ एक्स जिसे हमने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, जिसे हमने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब जरा इस साइन ऑफ कन्वेंशन को देखें जो हमने यहाँ पर प्लॉट किया था, इस साइन ऑफ कन्वेंशन को देखें, इसी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर प्लॉट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ की जो वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव होता था, है ना, नीचे नेगेटिव होता था, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है अब क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, है ना, तो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट जो होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से लोगे और इस एक्सिस से लोगे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 0 -1 -2 -3, यहाँ लिख दूँ 1 2 3 -1 -2 -3, जैसे हमने साइन ऑफ कन्वेंशन में लिया था ऐसे यहाँ पर भी लिख दें। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे क्या है 2, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो भी है 2, तो 2, 2, ये क्या हो गया, इस पॉइंट सी का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या देखेंगे, इस तरफ जो भी पॉइंट आएगा इस पॉइंट के अंदर वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई की वैल्यू ही इसके अंदर आएगी, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब साइन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चूंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। तो मैं इसको एक टेबल बना दूं क्या, रीजन क्वाड्रेंट है ना, साइन नेचर ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, नेचर ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैं पहला ले रहा हूं एक्स ओ वाई जिसे हमने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या देख रहे हैं, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, वाई भी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉइंट अगर पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। दूसरा रीजन है हमारे पास वाई ओ एक्स डैश जिसे हम कह रहे क्या सेकेंड क्वाड्रेंट,
इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखें क्या है, वाई तो पॉजिटिव होगा और एफ जैसे इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट ले ले हम, यहाँ पर क्या आएगा -2, 1, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम बाद में लिखते हैं। तो क्या देख रहे हैं, एक्स जो है जीरो से छोटा है और वाई जीरो से बड़ा है, तो मतलब इस पॉइंट में इस तरह का जो भी पॉइंट आएगा सबका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। सिमिलरली इन थर्ड रीजन जो कि थर्ड क्वाड्रेंट कहला रहा है क्या, x-oy, वहां पर आप क्या देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अंदर सपोज कर लो ये पॉइंट है, ये क्या है -2 और यहां से -3, मतलब x भी लेस देन 0 है y भी लेस देन 0 है, मतलब दोनों x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा निगेटिव होगा, है ना। मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर इस रीजन के अंदर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा। सिमिलरली y-OX जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, रीजन x में देख सकते हैं आप, जैसे यहां पर कोई पॉइंट ले लें ये क्या हो जाएगा, देखिए x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट -2, x पहले लिखते हैं y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, तो x क्या दिख रहा है पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में जो भी x आएगा सब पॉजिटिव होगा लेकिन y सारा का सारा निगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0। यहाँ क्या दिख रहा है x पॉजिटिव एंड y निगेटिव, इस तरह का क्या होगा साइन ऑफ कन्वेंशन होगा। तो हम जो है किसी कोऑर्डिनेट के ऊपर, जैसे अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया हुआ कोऑर्डिनेट 3, 2, तो क्या दिख रहा है दोनों प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, है ना, मतलब प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, उसके बाद माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। सिंपली ये देख लें इस रीजन में क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, इस रीजन में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, इस रीजन में वाई प्लस एक्स माइनस, इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं वाई बाद में लिखते हैं, इस रीजन में एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, इसलिए प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहीं से देखकर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब जैसे कोई लिख देगा -3, -2, क्या है एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे लिख दे कोई 3, -2, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, और कोई इस तरह लिख दे -3, 2, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव इधर होता है और वाई पॉजिटिव ऊपर होता है, तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को देख करके हम बता सकते हैं वो किस रीजन के अंदर क्या करेगा लाई करेगा, किस रीजन के अंदर लाई करेगा हम कोऑर्डिनेट को देखकर बता सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को देखकर क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक बल्कि दो तीन एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है प्लॉट द पॉइंट गिवेन बिलो, जो पॉइंट गिवेन है उसे हमें क्या करना है प्लॉट करना है। तो पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरह से 5, 3। अब देखिए 5, 3 पहला x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कहां पर है ये 5 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, ये है ना। इन दोनों को अगर आप मिलाएं ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है 3 है, तो मतलब ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 3 है यहां पर दिख रहा है, और ऐसे ही यहां से मिलाएं x कोऑर्डिनेट को देख ले y कोऑर्डिनेट को देख ले दोनों तरफ से परपेंडिकुलर डाले, तो ये जो पॉइंट है यही क्या है हमारा 5, 3 है। यहां से देख सकते हैं यहां से ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी जो कि 5 है और जो कि ये क्या है 3 है, ये x y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि x कोऑर्डिनेट है और ये x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि y कोऑर्डिनेट है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट A। सिमिलरली -3, 2 देखिए निगेटिव पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो x निगेटिव इधर नहीं इधर है, x निगेटिव यहाँ पर है -3 और y पॉजिटिव 0.2 यहाँ पर है, तो इन दोनों पॉइंट को परपेंडिकुलर ज्वाइन कर देंगे, x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट बाद में लिखेंगे, ये लिखने का तरीका ऑर्डर पेयर को क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है उनका, है ना। तो ये पॉइंट क्या है हमारा पॉइंट B। सिमिलरली थर्ड क्या है -5, -4, x -5 किधर होगा इस तरफ ओ एक्स डैश की तरफ एंड ओ एक्स डैश की तरफ और y नेगेटिव कहाँ होगा वो y ओ वाई डैश की तरफ, तो कहाँ है x कोऑर्डिनेट है -5 ये रहा
और y कोऑर्डिनेट है माइनस फोर, वो ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट को परपेंडिकुलरली हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट विल बी पॉइंट सी, जो कि हमारा माइनस फाइव कॉमा माइनस फोर। द नेक्स्ट पॉइंट इज डी टू कॉमा माइनस सिक्स, एक्स कोऑर्डिनेट टू है, एक्स कोऑर्डिनेट टू है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस सिक्स है। तो दोनों को क्या कर दें हम, परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दें, परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी पॉइंट, जो कि हमारा क्या टू कॉमा माइनस सिक्स, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई, मतलब फोर कॉमा माइनस टू। तो फोर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, फर्स्ट पार्ट में ऐसा ही है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इस तरफ होता है और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव नीचे की तरफ होता है। तो ये रीजन है, ये रीजन है जो कि क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, माइनस थ्री कॉमा सेवन, माइनस थ्री कॉमा सेवन मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। देखिए कौन सा रीजन आ रहा है, ये रीजन, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड माइनस वन कॉमा माइनस टू, माइनस वन कॉमा माइनस टू है, तो मतलब निगेटिव एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव है। एक्स निगेटिव, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा जो कि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली फोर्थ थ्री कॉमा सिक्स, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, है ना, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल थ्री की तरफ मूव करते हैं, क्या कह रहा है, राइट डाउन द पॉइंट्स, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी एज शोन इन फिगर। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ये है एग्जाम्पल थ्री का फिगर, ठीक है। इसमें पॉइंट पी क्यू आर का क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो पी हमारा ये पॉइंट है, तो पी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इनका क्या है टू, और वाई कोऑर्डिनेट इनका क्या है फोर, तो क्या हो जाएगा टू कॉमा फोर। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टू कॉमा फोर, मतलब टू कॉमा फोर। उसके बाद क्या है क्यू, क्यू कौन सा पॉइंट है ये, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है फोर, और वाई कोऑर्डिनेट इसको देख ले यहाँ क्या है टू, तो दैट विल एक्स कोऑर्डिनेट पहले फोर और वाई कोऑर्डिनेट बाद में टू, तो क्या हो जाएगा क्यू का कोऑर्डिनेट फोर कॉमा टू। आर, आर कहाँ पर है, आर ये पॉइंट हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस टू और वाई कोऑर्डिनेट है थ्री, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पहले माइनस टू, वाई कोऑर्डिनेट बाद में थ्री, क्योंकि ये ऑर्डर होता है, तरीका होता है लिखने का। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस टू कॉमा थ्री। इसके बाद क्या है एस, एस कहाँ पर है, ये पॉइंट है एस का, देखे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है फाइव और वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस थ्री, दैट मीन्स फाइव कॉमा माइनस थ्री। तो एस का कोऑर्डिनेट हो गया फाइव कॉमा माइनस थ्री। उसके बाद क्या है पॉइंट सी, पॉइंट सी कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस फाइव और इनका वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस टू, तो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज माइनस फाइव कॉमा माइनस टू, ठीक है ना, माइनस फाइव कॉमा माइनस टू, माइनस फाइव कॉमा माइनस टू। तो इस लेक्चर के अंदर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू, वी विल मूव, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।